सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है. क्या कहना चाहोगे? बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड मिला है, रिकग्नाइज किया गया है, एंड तो क्या कहना चाहोगे? थैंक यू वेरी मच. ये बहुत बड़ी चीज़ें मिल गई, बहुत बड़ा अचीवमेंट, बिकॉज गेटिंग बीइंग कॉल्ड अ वर्सेटाइल एक्टर इज समथिंग वेरी, आई थिंक आई मैंने ये टारगेट किया था, गोल किया था, बिकॉज और आज भी मैं वही करता हूँ कि जितने अलग अलग और अलग अलग तरीके के किरदार मैं कर सकूँ और आप सब लोगों को कन्विंस कर सकूँ, मना सकूँ और आपको विश्वास दिला सकूँ कि ये अच्छे से निभाया मैंने. सो आई थिंक ये आज जो ट्रॉफी है ये उसी की कमाई. ओके, लास्ट टाइम का आपका सॉन्ग काफ़ी हिट हुआ था, तो लॉट ऑफ फैंस वेटिंग फॉर योर गुड सॉन्ग. को कब आने वाला है कुछ अगर आप बता सकें? यस, अभी फॉर सम टाइम मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे बिजी था, तो जो सॉन्ग्स थे वो जो पिछले वाले थे मैंने आप लोगों को उससे एंटरटेन कराया. अभी एक बहुत अच्छा नया गाना जल्दी आने वाला है, इसी साल में आएगा, रिलीज होगा, उसका हमने शूट कर लिया है. दैट इज़ ऑल्सो रियली ब्यूटिफुली शॉट एंड आई एम श्योर आप लोगों को वो भी बहुत पसंद आए. और जो दूसरे नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको विद इन दिस मंथ आई विल कीप यू अपडेटेड. ओके, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो क्या आर यू एक्साइटमेंट, आप देखना पसंद करते हैं? जी ज़रूर, मैं देखना पसंद करता हूँ और मैं घर पे बैठ के देखना पसंद करता हूँ, बिकॉज क्योंकि वो सेफ लगता है. और मोर देन सेफ, आई थिंक आप अपने किंगडम में ही अगर वो वाले मोमेंट्स इन्जॉय करो सो दैट इज़ मोर फन. ऑब्वियसली वी हैव सम प्लान्स एट होम, घर को थोड़ा सा मेकओवर चेंज ओवर किया है ताकि थोड़ा डिफरेंट फील हो. सो यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवनिंग. सर, कई सारे रियलिटी शो इन दिनों आ रहे हैं, तो आप कब हम कोई रियलिटी शो में आपको देख पाएंगे? मैं अभी तो नहीं, बट आपको इस साल के एंड में ज़रूर एक रियलिटी शो की तैयारी करते हुए देखूंगा. और उसके लिए भी मैं, मतलब बिग बॉस कन्फर्म हो गए? नहीं, बिग बॉस तो नहीं, बात करेंगे हम इस बारे में, आई कीप यू अपडेटेड. ओके, मतलब तैयारी है, मतलब आप तैयारी है कि जाने के लिए? मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, अभी ऐसे कोई लॉकअप की तैयारी है ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर में ही लॉकअप हूँ अभी. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, मुनावर फारूकी का शो कैंसिल किया जा रहा है, बिकॉज ही मेड द स्टेटमेंट 2 years or 1 year and he already get the punishment from the police also. Still उसकी show cancel किया. आपको लगता है ये artist की freedom, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा को भी boycott किया गया making fire. I don't want to comment on that because there's lot of strategies and lot of things are happening. तो मैं जितना informative हूँ इस बारे में, I think I don't know. Let's just see what concludes. I can't say anything. मैं कुछ बोल नहीं सकता. ओके, आखिर में अपने फैंस को एक अच्छी सी विश दे दीजिए, गणपति बप्पा भी आ रहे हैं. थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खूब मस्ती कीजिए, खूब इंजॉय कीजिए, परिवार वालों के साथ जितना टाइम हो सकता है स्पेंड कीजिए, खास करके जो ये फेवरेट फेस्टिवल मेरा और आप सब लोगों का जो आ रहा है गणेश चतुर्थी, उसमें खूब सारी पे कीजिए, मिठाई खाइए. ये मैंने हर बार की तरह बताया कि ये साल के 10-11 दिन होते हैं, तो मैं इतने लड्डू खाता हूँ कि वो आखिरी के 10वें दिन तक तो मैं आपको लड्डू ही बनावा मिलूँगा. तो इट्स अ ब्यूटीफुल ओकेजन, सारे फ्रेंड्स से मिलिए एंड जितना हो सकता है उतना प्रे कीजिए, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर जो आएगी वो साल भर चलेगी. और मेरा ये मानना है कि आप इस फेस्टिवल में मेंटली फिजिकली डिटॉक्स कर सकते हैं. एंजॉय.